एक बुनियादी बात पे हम अमल नहीं करते जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। नमाज़े फजर के बाद का जो वक्त है ये रिस्क की तकसीम का वक्त है। इस वक्त रिस्क तकसीम किया जाता है और हम सोए हुए होते हैं। 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, मुझे बताएं फिर रिस्क में बरकत कैसे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के घर में आए और जब घर में आए तो देखा कि सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सोई हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पांव मुबारक लगाया, जिस्म को लगाकर फरमाया बेटी उठ के बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता फजर की नमाज के बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदा नमाज फजर के बाद सोता है उसके रिस्क से अल्लाह बरकत उठा लेता है। हम में से अक्सर अफराद या तो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, और अगर फजर की नमाज पढ़ी है तो आदत है कि नमाज फजर पढ़कर सो जाते हैं। जब सो गए तो रिस्क में बरकत कैसे आए। अपना मामूल बनाए, आदत बनाए, अगर आप थके हुए हैं कभी कभार सो गए तो और बात है, वगरना आदत बनाए नमाज फजर के बाद सोना नहीं है। सूरज गुरूब होने के बाद अगर आप सोना चाहें तो सो सकते हैं, लेकिन पहले नहीं सोना। अगर आप